ये हमारी जब होती है यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के जो इक्विपमेंट्स रखे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्विपमेंट्स है, इसका नाम है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर जो है हम इसमें यूज करते हैं टू ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करते हैं, उसको हम सैंपल लेते हैं और लेने के बाद एक मीडिया होता है, मीडिया के ऊपर उसको हम वहाँ पे लगाते हैं और फिर उसके अंदर रख देते हैं 24 आवर्स के लिए। 24 घंटे में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ग्रोथ कर जाते हैं, ग्रोथ करने के बाद हम उसको बताएंगे कि भाई इसको इस टाइप का ऑर्गेनिज्म है और ये इसको डिजीज है, तब जाके डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन देते हैं। ये हॉट एयर ओवन है, जो भी हम जितना भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स होता है उसको इसमें स्टरलाइज किया जाता है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो भी मटेरियल यूज करेंगे तो अगर उसमें पहले से ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो हमारा उसमें कॉन्टामिनेट हो जाएगा। तो टू प्रिवेंट ऑफ कॉन्टामिनेट वी हैव यूज द हॉट एयर ओवन, इसको ओवन बोलते हैं। इसका टेम्परेचर 160 डिग्री टेम्परेचर होता है फॉर 1 आवर के लिए और सारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा। ये वाटर बाथ है, इसके अंदर पानी डालते हैं और फिर यहाँ पे जो है इसमें ये जो लगा हुआ है टेम्परेचर, इसको हम सेट करते हैं और टेम्परेचर इसमें देखते हैं भी कितना हमें टेम्परेचर चाहिए। हमारी बॉडी का टेम्परेचर मोस्टली 37 डिग्री टेम्परेचर होता है और 37 ही हमें टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यूजेबल होता है। इसके अलावा हमारे पास मैनुअल थर्मामीटर भी होता है, इसमें अंदर डाल के चेक कर सकते हैं कि